नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। महोबा शहर में शारदीय नवरात्र पर मां की जगराता को भव्य बनाने के लिए 18 महिलाओं के ग्रुप ने गरबा और डांडिया का आयोजन कर मां के 9 स्वरूपों की पूजा की है। पूरी रात चले इस कार्यक्रम में शहर की 321 महिलाओं और युवतियों ने बड़े उत्साह से न केवल भाग लिया बल्कि धार्मिक गीतों में गरबा और डांडिया नृत्य के जरिए मां की पूजा भी की है। रंग बिरंगे परिधान में सजे बच्चों ने भी फिल्मी गीतों पर डांडिया नृत्य कर सभी का मन मोह लिया। मां की आराधना में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। आपको बता दें, शारदीय नवरात्र की धूम महोबा में भी देखने को मिल रही है। मां की भक्ति में सभी लोग दिखाई दे रहे हैं और यही वजह है कि जगह जगह देवी पंडालों में पूजा अर्चना और सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं। तो वहीं 18 महिलाओं के एक समूह मां चंद्रिका उत्सव समिति द्वारा पिछले 15 दिनों से शारदीय नवरात्र के पर्व में जगराता को भव्य बनाने के लिए गरबा और डांडिया नृत्य का प्रशिक्षण महिलाओं और युवतियों को दिया गया और फिर पूरी रात इस कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ है, जिसमें शहर की 321 युवतियों ने अलग अलग टोली बनाकर भाग लिया और सभी ने धार्मिक और फिल्मी गानों में डांडिया और गरबा नृत्य की प्रस्तुति दी है। रंग बिरंगे परिधानों में सजे सभी लोग मां की आराधना में कोई कमी कसर छोड़ते नहीं दिखाई दिए। यही वजह है कि कार्यक्रम पूरी रात चलता रहा, जिसे देखने के लिए लोगों की बड़ी भीड़ लगी रही। शहर के सरस्वती विद्या मंदिर कॉलेज में कार्यक्रम की शुरुआत मां चंद्रिका के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया। रंग बिरंगे परिधानों में सजी युवतियों और बच्चियों ने भक्तिमय संगीत के बीच डांडिया नृत्य किया है, जिसे देखने के लिए हजारों की भीड़ विद्यालय परिसर में मौजूद रही। विद्यालय में सबसे पहले माता रानी के चित्र में माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की गई और मां की आरती के उपरांत गरबा डांडिया नृत्य हुआ। हाथों में रंग बिरंगे डंडे लेकर युवतियां डांडिया खेलती और गरबा करती नजर आईं। महानगरों में नवरात्रि पर्व पर मां की पूजा अर्चना और जगराता हर्षोल्लास से मनाने के लिए डांडिया गरबा का विशेष महत्व है, जो अब धीरे धीरे उत्तर भारत और बुंदेलखंड में भी डांडिया गरबा के आयोजन होने लगे हैं। मां चंद्रिका उत्सव समिति के प्रयास से इस वर्ष भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन संभव हुआ, जिसमें इस वर्ष बड़ी संख्या में युवतियों ने सहभागिता की है। डांडिया का मनमोहक प्रदर्शन देखकर मौजूद दर्शक भी भाव विभोर हो गए। मां की भक्तिमय संगीत में डांडिया का जागरण कर महिलाओं ने मां की आराधना भी की है। मां चंद्रिका उत्सव समिति की निधि रावत और दीपाली तिवारी बताती कि ऐसे कार्यक्रमों के जरिए जहां धार्मिक आयोजनों को बढ़ाने का काम किया जा रहा है, वहीं आपसी भाईचारे का भी संदेश इस कार्यक्रम के जरिए देने की कोशिश की जा रही है। इसमें शहर के सभी लोग एक साथ मिलकर इस डांडिया गरबा का आयोजन करते हैं। ऐसे आयोजन हमारी संस्कृति और परंपराओं की पहचान है, तो आने वाली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक बनने में भी सहायक होगी। आगे भी ऐसे धार्मिक आयोजन होते रहेंगे। इस मौके पर प्रज्ञा अवस्थी, छाया तिवारी, अंजलि पचौरी, रुचि रिछारिया, विनीता गोयल, अर्चना शुक्ला, किरण नायक, दीपाली श्रोति, इंदिरा पुरवार, पूजा पुरवार, माधवी पुरवार, रजनी रेखा कौशल, सोनाली चौरसिया, सुधा सिंह, अंजी गुप्ता आयोजक समिति की महिलाएं मौजूद रहीं। महोबा क्षेत्र वासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ये गरबा नृत्य ये 15 दिन के प्रशिक्षण के बाद आज जो कार्यक्रम हो रहा है, ये मेरा ये कहना है कि ये सिर्फ माता रानी की पूजा है। जो हमारे यहाँ कलकत्ता में और गुजरात में गरबा होता है, गरबा का महत्व ये होता है कि सिर्फ माता रानी की पूजा और आराधना। हमारे इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम गरबा और डांडिया तीनों को सम्मिलित करके छोटी बच्चियों ने, बड़े लड़कियों ने और महिलाओं ने, हमारे यहाँ 40 साल से लेकर 4 साल तक की लड़की विधिवत अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है, पूजा अर्चन करती है। और हम चाहते हैं हमारी समिति के द्वारा, हमारी जो माँ चंडिका समिति है, इसके द्वारा यही प्रेरणा मिले कि जो गरबा हो रहे हैं और भी ज़्यादा संख्या में गरबा हो और माता रानी की इसी तरह आराधना हो, यही मेरा कहना है। तो सभी को माता नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी लोग, जैसे महानगरों में आपने देखा है आए दिन कार्यक्रम होते हैं, तो हम लोगों ने भी विगत 6 सालों से ये प्रयास किया है कि महानगरों में तो अपने कार्यक्रम होते रहते हैं, तो हम अपने छोटे नगरों में क्यों ना इनकी शुरुआत करें। और हमारी 17-18 महिलाओं की एक समिति बनी हुई है, माँ चंद्रिका उत्सव समिति, उसके माध्यम से सिर्फ हम नगर वासियों को यही संदेश देते हैं कि आप लोग भारी संख्या में पधारे और हमारा उत्साह वर्धन।